हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मैं पैकेज वीडियो के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है एक ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। गाइस देखिए, ये ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस देखिए, अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको जरूरत पड़ने वाली है डोमेन नेम और वेब होस्टिंग की। और गाइस डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदने के लिए आपको आना पड़ेगा dominracer.com पे। और गाइस dominracer.com पे आप डोमेन नेम भी खरीद सकते हैं और वेब होस्टिंग भी खरीद सकते हैं। बहुत ईजी है गाइस। तो यहाँ पे सीधा मैं डोमेन पे आता हूँ और यहाँ से गाइस देखिए, आपके पास .com .in .xyz .net। तो यहाँ पे अलग अलग सबकी प्राइसिंग है डोमेन की, कौन सा डोमेन जो है आपको कितने रुपए का पड़ेगा। यूजुअली गाइस .com लोग खरीदते हैं तो इसके जो है आपको 649 रुपीज पर ईयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इसके हिसाब से अगर रिन्यूअल अगर आपको कराना है तो यानी कि आपको पहले ईयर का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद में इसके नॉर्मल प्राइस जो है ये है। इसके बाद में गाइस .in है जो कि आपको यूजुअली काफ़ी चीपर प्राइस में मिल जाता है, .org आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस देखिए, सारी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से जो ले सकते हैं। .uk लेना है, .co.uk लेना है, .d अभी गाइस .d जो है जर्मन वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है, .me। तो इस हमारे लिए जो इंडिया के अगर है तो उसमें तो .in .com .xyz .net .org .info, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इस हिसाब से अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और गाइस आप अपनी यहाँ पे पहले नाम सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं एसजे वर्डप्रेस, तो यहाँ पे मैं मेरे नाम सर्च कर सकता हूँ कि ये वेबसाइट जो अवेलेबल भी है नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से गाइस, ठीक है। अंग्रेजी उसके बाद में आपको दूसरी चीज पड़ेगी वेब होस्टिंग की। तो गाइस अब मैं वेब होस्टिंग के पैनल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे गाइस जो वेब होस्टिंग है वो सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होती है। गाइस देखिए, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से प्लान है। गाइस बेसिक है, तो बेसिक गाइस मैं ये किसी को जो है बोलता भी नहीं हूँ, सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि आप इसको लें, क्योंकि गाइस यहाँ पे काफ़ी कम जो है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा छोटी है, अगर उस पर ट्रैफिक आता ही नहीं है, तो गाइस आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक प्लान से। तो यहाँ पे होस्ट सिंगल वेबसाइट, 1 GB SSD स्पेस, 10 ईमेल ID, 5 GB बैंडविड्थ एंड लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी। तो गाइस आप ले सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि गाइस ये सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ में है। इस प्राइस के अंदर आपको इससे बेटर तो जो है मिलेगा नहीं इतना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SSD डिस्क आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जिससे आपकी वेबसाइट वैसे ही फास्ट रहेगी। लेकिन गाइस अगर आपको ज़्यादा डेटा अपलोड करना है, अगर आपकी आपको लगता है आपकी साइट पे जो है 1 GB से डेटा ज़्यादा अपलोड होगा, तो फिर गाइस आप पर्सनल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट पे 20-30 या फिर कोई अगर कोई यूजुअली थोड़े बहुत अगर आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं यूजर्स और आपकी वेबसाइट की साइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, डेली विजिट थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो अगर आप ये ले लीजिए। इसमें आपको सिंगल वेबसाइट होस्ट करने को मिलेगी, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिलेगा, अनलिमिटेड ईमेल ID मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिलेगी, प्रीमियम SEO टूल मिलेगा और गिफ्ट 0.532 अर्थ मिलेगा, ठीक है। फिर ये गाइस सिल्वर प्लान है जो कि सबसे ज़्यादा लोग इसको ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आप गाइस इसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपको 3 वेबसाइट मिल होस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही होस्टिंग पर आप 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 वेबसाइट तक आप इस होस्टिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी 3 छोटी छोटी वेबसाइट है तो। अनलिमिटेड SSD स्टोरेज है यहाँ पे, अनलिमिटेड ईमेल ID, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम SEO टूल गाइस यहाँ पे मिलते हैं जो कि आपका काम आसान करते हैं, गिफ्ट 1 3 2 अर्थ मिलता है। और इसके अलावा ये हैवी ट्रैफिक के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री domain.in.com। तो गाइस अगर आप ये होस्टिंग खरीदोगे तो आपको डोमेन की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अनलिमिटेड वेबसाइट, ऑल फीचर, सिल्वर पैक, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम SEO, गिफ्ट 1 3 2 अर्थ, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको तीनों प्लान के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये गाइस माना जाता है कि डोमेन रेसर कैसा बोला जाता है कि वो जो है अनलिमिटेड चीप यानी कि अनलिमिटेड कम प्राइस पे सबसे बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। और गाइस डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो इससे ज़्यादा चीप प्राइस पे आपको वेब होस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 59 रुपीज पर मंथ से आपको मुझे नहीं लगता आपको मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको होस्टिंग मैनेजमेंट, 20x फास्टर सर्वर स्पीड, ईमेल मैनेजमेंट, फुली मैनेज सर्विस, एक्साइटिंग डील ऑन प्लान्स, बैकअप एंड रिड्यूसिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस ये सब कुछ चीज़ें हैं। और गाइस यहाँ पे गाइस देखिए, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जब आप ये होस्टिंग खरीद लोगे, ठीक है, इनमें से कोई सी भी आप होस्टिंग खरीद लोगे, तो फिर गाइस आपको जो है सी पैनल मिल जाएगा। गाइस सी पैनल जो आपकी वेबसाइट का कुछ ऐसा होगा डोमेन रेसर का। तो यहाँ पे गाइस ईमेल है, तो यहाँ पे गाइस अगर आपके पास अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट है, ईमेल वगैरह आपको क्रिएट करना है, ईमेल वगैरह अगर आपको चेक करना है, तो गाइस आपको यहाँ से करना है। फिर गाइस फाइल मैनेजर है, यहाँ पे जो है आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट अपने लोकल होस्ट पर बनाई है तो गाइस इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर ये गाइस डेटाबेस है, तो यहाँ से अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हैं। ये गाइस डोमेन है, ये एड ऑन सब डोमेन ऐड करने के लिए है। फिर ये गाइस मैट्रिक्स है, तो गाइस देखिए इसे ये आपके स्टेटिस्टिक्स बताएगा वेबसाइट। ये सिक्योरिटी टूल्स है आपको, जो कि काफ़ी सारे प्रीमियम सिक्योरिटी टूल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सी होस्टिंग ले रहे हो। सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे गाइस देखिए वर्ल्डप्रेस, जैसे वर्ल्डप्रेस आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
फिर गाइस एडवांस टूल्स आपको कुछ मिलते हैं, प्रेफरेंस टूल्स मिल रहे हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इन्होंने खुद का वेबसाइट बिल्डर भी दे रखा है, तो उसके थ्रू भी आप जो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और ये गाइस कुछ स्क्रिप्ट है, ठीक है। आपको अपने होस्टिंग के सी पैनल में आना है, मैं डोमेन रेसर होस्टिंग के सी पैनल पे हूँ। यहाँ पे सीधा आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल नाउ करना है। फिर उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पे सीधा आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना है। उसके बाद में आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और गाइस देखिए यहाँ से सीधा जो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक है WP जो कि आपका एडमिन सेक्शन का है, यहाँ से जो है आप प्लगइन और थीम जो इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस ये है यूजर के लिए, यहाँ से जो भी होगा वो यूजर्स को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको देखना है। आपको फ्रेंड सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, उसका नाम है एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो ऐड न्यू पे आता हूँ मैं और यहाँ पे सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्लगइन है गाइस, ये वो जो प्लगइन है आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, इसका नाम याद रख लीजिए एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके सीधा यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा एंड इसके बाद में हमारे पास जो है दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, बिहेवियर का तीन ऑप्शन आएंगे, बिहेवियर का, एलिमेंटर का और वर्डप्रेस ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए इसके बाद में आप यहाँ पे, एंड एक्टिवेट करने के बाद में सीधा आपको, तो गाइस ये एक्टिवेट है और यहाँ पे आप सीधा सी लाइब्रेरीज पे आ जाइए। लाइब्रेरीज पे आके आपको यहाँ पे आना है बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। अब गाइस यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर। तो इसमें से किसी से भी अगर आपको साइट बनानी है तो उससे आप बना सकते हैं। ब्लॉक एडिटर का हम इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इतना यूज यूजुअली सिर्फ नॉर्मली ब्लॉक्स का एडिट करने के लिए होता है, बट ज्यादा हम एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर का ही जो है यूज करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपको ढूंढना है ऑनलाइन कोर्स। क्या ढूंढना है? ऑनलाइन कोर्सेस। फिर से पूछ रहा हूँ, क्या ढूंढना है? ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से सीधा फिर आपको आ जाना है यहाँ पे सीधा अपलोड फाइल। अगर आपके पास कुछ लोगो है ऑलरेडी, इसका लोगो जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं चेंज नहीं करूंगा, लेकिन गाइस आप लोगो चेंज कर ले और कोशिश हो जैसा लोगो उसके हिसाब से जो है आप अपनी थीम का कलर रखें, ठीक है, क्योंकि अभी तो थीम कलर आएगा। गाइस थीम कलर जो इस बार हमको जो अच्छा देना ही पड़ेगा। एनीवे लेट्स चेक। ये कैसा लग रहा है गाइस? ये बेटर लग रहा है आई थिंक दिस वन, और इसका कलर करेक्शन आई थिंक समथिंग तो चेंज करना पड़ेगा। दिस वन लुक ऑसम एक्चुअली इफ आई सी। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी इतना भी खास नहीं लग रहा है। आई थिंक दिस वन इज लुक गुड बिकॉज यहाँ पे क्या होता है इस बटनों का कलर भी चेंज हो रहा है साथ में, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वही काम कर रहा है। एनीवे सो लेट्स गो कंटिन्यू। एंड यहाँ पे गाइस क्या करना है, रिक्वायरमेंट प्लग इन मिसिंग, सो स्किप स्टार्ट एंड इम्पोर्ट आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये एंड देन सबमिट एंड बिल्ड बाय वेबसाइट, ठीक है। तो गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, सो जब तक हम पूरा वेट करते हैं। तो गाइस ये 100% हो चुका है एंड ये गाइस देखिए डन हो गया। तो यहाँ से हम आ चुके हैं व्यू योर वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ से हमारा जो है साइट खुल गई है, ठीक है। तो ये है स्टार्ट कोर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल कोर्सेज, ठीक है। तो गाइस यहाँ से ये ऑल कोर्सेज दिख रहा है, तो पॉपुलर कोर्सेज, क्योंकि इसमें कोर्स कुछ डाला हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो कोर्स जो आपको डालना पड़ेगा ये है होम, ये अबाउट अस, फिर यह इंस्ट्रक्टर, ये ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट गाइज आपको कोर्स कैसे डालना है गाइज, अब हमको जाना है वापस हमारा ये, ठीक है, WP एडमिन, ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम ला के रखें, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं आया हूँ एंड प्रोडक्ट्स पे आऊंगा गाइज मैं अब, एंड ठीक है, ये वूकॉमर्स है, एलिमेंटर है, WP फॉर्म्स है, ठीक है, सेटिंग है एंड जो आपके प्लगइन्स है गाइज, पहले हम इसको चेंज के चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, हेलो डेडी, एलिमेंटर, वू कॉमर्स, ठीक है। एंड वी विल गो हेयर वंस अगेन, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, हम एक बार इसके जो डैशबोर्ड पे आते हैं अभी हम। एंड गाइस यहाँ पे है व्यू ऑल एंट्रीज इनसाइड वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये गाइस फॉर्म के लिए है एनीवे एंड ठीक है, तो ये सब कुछ है एनीवे गाइस। तो इस तरीके से जैसे कोर्स है, ठीक है, लेकिन कोर्सेज में अभी फिलहाल के लिए कुछ भी हमको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये कैसे करेंगे कि हमको जो यहाँ पे कोर्स डालना है, ठीक है, तो कोर्स वोर्स सब कुछ जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है आपको डालना पड़ेगा। वी हैव टू गो कॉन्टेक्ट, या पे है ऑल कोर्सेज एंड अगर गाइस आप यहाँ पे क्लिक करते हो स्टार्ट लर्निंग, ओके ठीक है। तो गाइस अब हम इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, एंड एडिट विद एलिमेंटर करेंगे एंड वी विल गो टू दैट सेक्शन जहाँ पे कोर्सेज थे, ठीक है।
तो गाइस ऑल कोर्सेज यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज, तो गाइस यहाँ पे क्या है, पे कोई कोर्सेज तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो है आपको कोर्स डालना पड़ेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डाल दो, ठीक है। जैसे मान लो मैं 3 विंडो में कोर्स डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है मेरी 3 वीडियोस, ठीक है, 3 वीडियोस, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप जो है वीडियोस जो है डाल दीजिए, ठीक है। सेक्शन में जो है कोर्सेज बना दीजिए, तो यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, आगे पीछे, इस तरीके से आप जो है जितने कोर्स जाएगा उतने कोर्सेज जो है आप डाल सकते हो वैसे ही। अब जैसे ये LMS इंटरेक्टिव कॉन्टैक्ट कंटेंट या बिकम ए PHP मास्टर, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है कहीं ये भी डाल सकते हो, यहाँ से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ से अपना कोर्स डाल दीजिए एंड गाइस जैसे यूजर आएगा तो वो देखेगा, क्योंकि गाइस ये थीम है, थीम के अंदर आपको कोर्स तो वो देगा नहीं, आपको मालूम है। गाइस इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे अपने टीचरों के बारे में डाल दीजिए, जो जो भी आपके टीचर है यहाँ पे, आप इसके आपकी साइट के बारे में डाल दीजिए, ये गाइस ऑल कोर्सेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से गाइस आप जो है एक ऑनलाइन कोर्स की जो है वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये गाइस एक नॉर्मल है, मैं गाइस आपको एक एडवांस लेवल पे भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें काफी इजीली आप कर पाएंगे। लेकिन गाइस क्योंकि ये नॉर्मल है तो एडवांस में जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग की माई वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसीलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।